फिर से बच के निकल गया। कहाँ जाएगा रे तू बच के? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा ना मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं दूर कोई मेरे पास नहीं आएगा, इसे मार दूंगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं मार दूंगा, इसे मार दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, इसे मार दूंगा, सब लोग दूर रहो, मार दूंगा इसे, क्यों पकड़ा तू, छोड़ो मुझे, इसे दूर रखो, ये लग जाएगा, दूर रहो सब लोग, दूर रहो मुझसे, नहीं तो इसे मार दूंगा मैं, अरे छोड़ो मुझे, अरे मैंने कहा छोड़ो, अरे मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, दूर रहो, दूर रहो, हटो, हट जाओ, अरे हट जाओ, तुम पागल हो गए हो क्या, इधर चलो, क्या कर रहे हो तुम, कोई पास नहीं आएगा, मैं मार दूंगा इसे, मैं सच कह रहा हूँ, मार दूंगा, लग जाएगी मुझे, हट जाओ, दूर रहो, दूर रहो, छोड़ो, जाओ, दूर रहो, दूर रहो, अरे मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती है, बैठो, अरे खाना गाड़ी, बैठो, बैठो, जल्दी करो, दूर रहो, दूर रहो, अरे दूर रहो, दूर रहो, मैं कह रहा हूँ, मार दूंगा इसे, पता नहीं मुझे ये कहाँ से मिल गया। पेट्रोल ही खत्म हो गया। एए। अरे तुम क्या कर रहे हो? चलो। कोट चलो मेरे। कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। चलो। अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चुप रहो। अरे छोड़ो मुझे। आओ। कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? चल। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? चलो हे भगवान छोड़ो मुझे, चलो। पता नहीं ये मुझे कहां से मिल गया। ए, चलो मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, अरे मुझे लग रही है, रहो मुंह बंद करो, चलो। अरे छोड़ो मुझे, ये कहां लेकर जा रहे हो मुझे, कहां लेकर जा रहे हो मुझे, पागल हो गए हो क्या, मार डालूंगी मैं तुम्हें, क्यों लेकर आए हो मुझे, क्यों लेकर आए हो यहां, चल। अरे मारूंगी मैं तुम्हें, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, पागल हो गया तुम, मेंटल, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ आए हैं, क्या करें अब। अरे कहाँ चली गई? अरे यार शे शे कहाँ चली गई?
अगर वो बाहर जाके किसी को बता देगी तो मेरा क्या होगा? चली गई। नाम क्या था? पता नहीं। अरे बाइक क्यों रोक दिया तूने? आज जरा तू मेरा काम देख लेना भाई, प्लीज यार, आज के दिन बस। भाई वो आज मैनेजर आ रहा है, वैसे भी वो बहुत बड़ा पागल है यार, ऐसे काम में मुझे मत फंसाया कर यार। भाई कह देना कहीं जरूरी काम से गया हूँ। हाँ बहुत बड़ा ऑफिसर है ना तू, उसके बोलते ही मुंह बंद कर लेगा तू। वैसे भी तू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हाय प्रिया, कितनी देर से यहाँ खड़ी हो? तुम कभी नहीं बदलोगे, एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आते जाते लोग मुझे कैसे देख रहे थे पता है? थिंक पॉजिटिव प्रिया, इतनी सुंदर लड़की कौन है इसीलिए सब लोग तुम्हें इतना घूर घूर के देख रहे हैं? तुम क्या चाहती हो कि कोई तुम्हारी तरफ ना देखे? तो तुम्हें इतना सुंदर नहीं होना था। ये फालतू की तारीफ अपने पास रखो, कैसे होना तुम? मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। तुम बहुत अच्छी हो जब ऐसे देखती हो तो। बस मैं यही सोचता हूँ कि जिंदगी का हर पल मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बिताऊं।
आंखों में तेरी है जैसे चांदनी, बातें भी तेरी है जैसे चाशनी। आंखों में तेरी है जैसे चांदनी, बातें भी तेरी है जैसे चाशनी। तेरी ये आंखें मेरा सुकून है रे, दिल मेरा खोया है सपनों में तेरे रे। तूने जाना अपना माना और क्या मैं चाहूँ अब रे, मुझको सताती है तेरी सादगी। तेरे बिना है क्या मेरी जिंदगी। तू कभी भी दूर मुझसे जाना ना सनम, और ना तू दिल कभी ये तोड़ना सनम। तू कभी भी दूर मुझसे जाना ना सनम, और ना तू दिल कभी ये तोड़ना सनम। सब मेरा तू ही बस है, जाने तू कब जानेगी। तुझको ही रब माना है, जाने तू कब मानेगी। ओ दीवानी ये कहानी तू पूरी कर देना, रातों की मेरे है तू ही रागिनी। मुझको तू लगती है मेरी दामिनी। La 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 la. मैं जो चाहूँ भी तो तुझको भूल ना सकता, जाऊँ मैं कहीं भी बस तुझे ही ढूंढता। मैं जो चाहूँ भी तो तुझको भूल ना सकता, जाऊँ मैं कहीं भी बस तुझे ही ढूंढता। आँखों से चूके तूने दिल को चुरा लिया, बातों में अपनी तूने दिल को फंसा लिया। तूने जाना अपना माना और क्या चाहूँ मैं अब रे।
तुम जैसे बेशर्मों से पाला पड़ा है। ओ सर, नमस्ते नमस्ते सर। की बैंड बजा दी मेरी। चलो ऊपर चल के बात करते हैं। अरे तू क्या कहने वाला था मुझसे? अरे भाई वो क्या है ना कि मुझे करेले की सब्जी बनाना है। क्या? तो करेला छिलका निकाल के उसमें मसाला लगा के पूरी तैयारी करके रखा हूँ। बैठ जा। सब्जी की ख्वाहिशें सुन सुन कर थक गया यार। अच्छी तरह बना रहा हूँ। अरे ठीक है यार, बना ले जो करना है कर, मुझे चैन से जीने दे, समझा? मैं क्या कर रहा हूँ तुझे? कल तू ना राइस और अंडा फ्राई बनाना। अरे ऐसे ऊपर से नीचे फ्राई करना पड़ता है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हमारी हालत ऐसी हो गई है। टेस्टी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझा? तेरे हाथ का खाना खा खा के ऐसा हो गया होगा, समझा? अकेले बैठ के गप्पे मार रहे हो। अरे सुन ना भाई, हाउस ओनर मिले क्या तुझे? हाउस ओनर कब आए थे? कब आए ये मत पूछ यार, जब से आए दिमाग खराब करके चले गए। कुछ भी कहो यार, वो अच्छा इंसान है। 5 महीने से हमने उसका किराया नहीं दिया है। कहीं ना कहीं हमारा पैसा खर्चा हो जा रहा है और हम किराया नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस बार का किराया जरूर देंगे। अरे यार तुम लोग तो अपने अपने रास्ते चले जाते हो और आखिर में जब वो आता है तो मैं फंस जाता हूँ। ऐसा दिमाग खाता है ना, छिछी मर जाने को दिल करता है यार। अरे तुम भी तो कोई जॉब कर सकते हो ना? मैं भी चाहता हूँ यार कि मैं कोई जॉब करूँ, पर मुझे कोई जॉब देता नहीं। तो तू टेंशन मत ले, हम तुझे अपने साथ चाइना ले जाएंगे। थैंक यू यार। अरे तू खास है हमारा। थैंक यू यार, तू टेंशन मत ले। हाँ, भूलना मत यार, मुझे भी ले चलना। अरे यार अभी तक शिवा क्यों नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है? मुझे क्यों याद कर रहा है तू? यही हूँ मैं। और बता आज ऑफिस में क्या हुआ? तू कैसा इंसान है? उस मैनेजर ने तो मुझे परेशान ही कर दिया। उसने मुझे ऐसा टॉर्चर किया, रोड पे आने वाली लॉरी के नीचे सर रख दूं अपना। अरे ये सब तो दोस्ती में करना ही पड़ता है। अच्छा चलो सभी लोग जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाते हैं। एक तो ऐसे ही जिंदगी खराब है, ऊपर से ये मैनेजर। देख भाई, ये इंडिया में जीना हमारे बस की बात नहीं है। एक बार हमारे साथ चाइना चल। हाँ तुझे भी अच्छा लगेगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, क्या हुआ तुम्हें? वो क्या है डॉक्टर? 100 रुपए फीस जमा कर दो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अंदरूनी प्रॉब्लम। अंदरूनी प्रॉब्लम? सर आपका फोन नंबर मिल सकता है? सर मेरा फोन नंबर क्यों चाहिए? ऐसे ही सर, कभी बात करने का मन हुआ तो। अच्छा ठीक है, पेपर के पीछे लिख देता हूँ नंबर। सर कॉल करूंगा तो उठा लेना सर फोन। हाँ ओके ठीक है ना सर, उठाओगे ना? हाँ पक्का। ओके ठीक, फोन करूंगा, उठाना जरूर। हाँ ठीक है जाओ तुम। अरे हाँ बाय सर। पागल है क्या? ठीक है। यू आर मिस्टर एकनाथ? इस तरह का नाम मैंने पहली बार सुना है। वो क्या है ना, मेरे माता पिता को अकेले रहने की आदत थी, हमेशा एकांत पे रहते थे, इसलिए मेरा नाम एकनाथ रखा। ओहो बताइए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सर मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं सर।
अच्छा, सपने तो सामान्यतः सबको आते हैं, पर मेरे साथ अलग तरह की समस्या है सर, आप समझे नहीं। अच्छा, वो क्या है डॉक्टर, एक ही सपना बार बार आ रहा है। हाँ हाँ, और कैसे बताऊं डॉक्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ, तुम कैसे भी बताओगे मैं समझ जाऊंगा, बताओ। सर मैं रोज देख रहा हूँ कि पिगीज क्रिकेट खेल रहे हैं सर। पिगी का क्रिकेट मैच होता है? हाँ हाँ, और क्या क्या? और सर जैसे ही मैच शुरू होता है मुझे अपने आप की याद आ जाती है। हाँ हाँ, और? अरे यही नहीं सर, मैं 10 दिन से एक ही मैच लगातार देख रहा हूँ। 10 दिन से तुम पिग्स का क्रिकेट मैच देख रहे हो? 10 दिन से वही देख रहा हूँ सर, क्या करूँ बताइए आप। अच्छे आ रहे हैं। अरे सर क्या करूँ, नींद में ना बहुत टेंशन में आ जाता हूँ सर। हाँ हाँ, इसमें कैसा टेंशन? सर ब्लैक पिग और व्हाइट पिग के बीच में मैच हो रहा है सर। ब्लैक पिग वर्सेस? हाँ हाँ सर। ओ हाँ 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 हाँ, दोनों टीम ना सर बहुत बढ़िया खेल रही है, कौन सी टीम जीतेगी यही सोचकर टेंशन हो जा रहा है सर। सोचकर तुमको टेंशन हो रहा है ना, अब से तुमको पिगी के सपने नहीं आने चाहिए। हाँ हाँ सर। ओके हाँ सर, ठीक है, मैं एक टैबलेट लिख देता हूँ, रोज सोने से पहले एक टैबलेट 10 दिन तक खाना। ओके समझ गए। ओके ठीक है ना। ये टैबलेट रात को सोने से पहले खाना है, ओके ना। अब सपने नहीं आएंगे, नींद अच्छी आएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। ये दवा मैं परसों से ले सकता हूँ? परसों लोगे, आज रात को क्यों नहीं? वो क्या है ना सर, कल पिग लोगों का फाइनल मैच है। वो देखना चाहते हो? हाँ सर। कैरी ऑन, ठीक है, और क्या बात है बोलो। मैच बहुत इंटरेस्टिंग है ना सर। तुम्हारी मर्जी। अच्छा, पिग्स का क्रिकेट मैच तुम रोज देखते हो? हाँ। वो सब बैटिंग बॉलिंग कैसे करते हैं? बैटिंग सर सो के करते हैं। ओहो, और बॉलिंग ना सर पकड़ के करते हैं। तो फिर शॉट कैसे मारते होंगे वो सब? वेरी सिंपल, ऐसे सर। ओ ये बात। हाँ ठीक है ठीक है, तुम जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते सर। अरे कौन है यार इतनी रात में फोन कर रहा है? हेलो। हेलो सर, मैं एक नाथ बोल रहा हूँ। अरे इतनी रात को कौन फोन करता है बताओ? अरे सुबह अस्पताल आया था ना, वो पिग्स का क्रिकेट मैच बताया था ना आपको सर। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को फोन क्यों किया? वो क्या है ना सर, आज फाइनल मैच है, मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है, ब्लैक पिग्स की बैटिंग है सर। अरे क्या बोल रहा है? पर वो गोरा वाला पिग जो है ना सर, वो हमेशा सेंचुरी मारता है। उनसे गोरे पिग्स? और ब्लैक टीम का कैप्टन जो है सर, वो तो कमाल का है सर। अरे क्या बोल रहा है यार ये? और वो गोरे पिग्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अरे तुम पागल हो क्या? आपको पता नहीं चला क्या? आपको पता है सर, व्हाइट टीम का कैप्टन जो है ना, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है, लेकिन इतनी रात को फोन क्यों किया है? अरे इतना अच्छा मैच है तो किससे डिस्कस करूंगा। वो अभी क्या है ना सर, गोबर ब्रेक हुआ। गोबर ब्रेक? ओ जैसे हम लोगों में टी ब्रेक ड्रिंक ब्रेक होता है ना, उसी तरह गोबर ब्रेक होता है। अरे यार इसको मैंने क्यों नंबर दिया अपना। ओके सर, मुझे नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैच भी शुरू हो गया है। बाय सर, कल कौन जीता ये बताने के लिए मैं अस्पताल आ जाऊंगा सर। उसके लिए तुम्हें अस्पताल आने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे फोन पे बता देना। ओके सर, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं कल हॉस्पिटल आके आपको बताता हूँ, मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय सर। मैच चालू करो बे। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने नंबर देकर, पागल ने नींद खराब कर दी। सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता है, पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया,
जो भी किया है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम में इंसानियत नहीं है ना? कल को अगर किसी ने तुम्हारी माँ या बहन को किडनैप किया तो घर वालों की क्या हालत होगी? इस बारे में तुमने कभी सोचा तो होगा नहीं? अब कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब दो मुझे। अरे ये फिर से आ रही है यहाँ। अरे ओए ओए, देखो तो जरा कैसे सो रहा है। एक काम करती हूँ, इसे मार देती हूँ। ओए, सच में सो रहा है क्या? सही मौका है, इसे मारकर यहाँ से भाग जाती हूँ मैं। सोते हुए इसको मारने में मुझे ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। किससे मारूं इसे? कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। ये सच में मुझे मार देगी क्या? भगवान बचा लो। अरे हाँ, इससे मारना सही रहेगा। इससे मारने से उसकी हड्डी पसली भी टूट जाएगी। देखो तो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। मुझे किडनैप करेगा? इससे कोई मारता नहीं है। अगर मारोगी भी ना तो ये टूट जाएगा। तुम सो नहीं रहे हो क्या? तुम्हारे डर की वजह से नहीं सोया। मैंने तो जो भी कहा सब मजाक में कहा था। मेरी बातों को दिल में रख के अगर मुझे छेड़ने की कोशिश की तो तुम बच जाओगे, ये सोचने की गलती मत करना। अरे बाप रे, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। अरे हाँ, तुम तो लड़की हो, मैं तुम्हें छेड़ू ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अरे सॉरी सॉरी, बिना मतलब के लिए तुम्हें उकसाया, उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कहोगे तो मैं उठक बैठक भी कर लूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो चलो ठीक है, चुपचाप बैठो यहाँ। बैठने को बोला तो बगल में आके बैठ गई, सामने आके बैठो ना। इस शंकर को इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढेंगे यार? अब चाहे कुछ भी हो, ढूंढना तो पड़ेगा ही। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? एकदम हाँ। चलो फिर, शंकर आखिर बच के जाएगा कहाँ? कितनी खूबसूरत लड़की जा रही है। रुक रुक, अरे रुकना रुकना। इतने बड़े जंगल में तू अकेली क्या कर रही है? आई हूँ। चल अपना मुंह तो दिखा दे। जंगल में मस्त लड़की मिली है भाई, अब तो जंगल में मंगल होगा। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करो, प्लीज मत आना मेरे पास, मेरे पास मत आना प्लीज। मेरे पास आओगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे अरे, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? उतारो मुझे, छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो? ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे कुछ मत करना प्लीज प्लीज। इतनी दूर से तुझे उठा के लाए हैं तो तुझे ऐसे ही जाने देंगे क्या? कितनी मेहनत से मुझे यहाँ लाए ना। बाप रे, अब उनका टेस्ट ऐसा नहीं है। नहीं तो इस जंगल में मुझे क्या काम? इतनी दूर तक उठा कर लाए हो, बिना कुछ किए जा रहे हो, कैसे चलेगा? हाँ बाप रे, मेरे पास तो आओ, अभी तो अपना शर्ट खोल रहे थे ना। अरे आओ ना मेरे पास आओ, क्या हो गया तुम लोगों को? आओ तो मेरे पास, अरे आओ ना। देखो वो क्या है कि अपुन को सब पसंद नहीं आया। शर्ट पहन ले। अरे भैया प्लीज आओ ना जल्दी। अरे रुको रुको, बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है।
अरे कितना खुशी का मौका था, हाथ से निकल गया। बाप रे, आज तो बुरे फंसे यार। अरे बाप रे। अरे हमको जो नौकरी मिली ना, हमारी औकात से ज्यादा है। अरे यार, लाइफ में इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, एक गोल रखना चाहिए और उसे किसी भी तरह हासिल करना चाहिए। बड़े ख्वाहिश हो तो बहुत बड़ा गोल होता है। अरे इसका क्या गोल है? क्या रे मूर्ति, किचन के अंदर बर्तन मांजने का गोल है तेरा? शिवा तेरा क्या गोल है? हे तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। लगता है किसी का फोन आ रहा है। अरे मेरा दोस्त है, एक मिनट सोचने दे। समझ गया कौन है। हेलो, हाँ कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। इतने दिन कहाँ था तू? अरे वो जॉब के चक्कर में थोड़ा बिजी हो गया था। क्या? ऊपर से मेरा फोन खराब हो गया। परसों ही एप्पल का फोन खरीदा, 45,000 का। एप्पल फोन खरीदा है? 45,000 का एप्पल फोन खरीदा है? हाँ। क्यों पैसा बर्बाद किया? 2,000 में मार्केट में अच्छा चाइना का फोन मिलता है, समझा? अरे अरे अरे, क्या तुम लोग पैसा वेस्ट करते हो? तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम लोग ऐसे ही रहोगे हमेशा। अरे पागल, तुम लोग यही रहो, तुम लोग इसी लायक हो। अरे बाप रे, ये तो चाइना की रट लगाने लगा। हेलो 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 हेलो, फोन कट गया यार। ऐसा फोन नहीं खरीदना चाहिए, चाइना फोन ही नंबर वन है। हेलो हेलो, फोन कट गया यार, ऐसा फोन नहीं खरीदना चाहिए था उसको। तेरी तो क्या रे, तुम लोग ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? तुमने एप्पल फोन के बारे में सुना है कभी? हाँ पता है, उस फोन में एप्पल का स्टिकर लगा होता है, वो स्टिकर फैंसी शॉप में मिलता है। वो जो स्टिकर है उसे तू भी खरीद के अपने फोन के पीछे लगा सकता है। अरे यार क्या दिमाग है तुम्हारे पास। ओ अजय, इसके साथ रहेगा ना तो तेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा तुम्हें चिकन तो पसंद है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है। क्या है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। वैसे इसके अंदर तुम्हें कौन सा पार्ट ज्यादा पसंद है? मुझे लेग पीस पसंद है। वो तुम्हें दे दूंगा। हाँ? जो बचेगा वो मैं खा लूंगा। थैंक यू। मुझे इसमें जो पार्ट पसंद है वो खाने के बाद जो बच जाएगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। मुझे लेग पीस के अलावा उसके पंख, उसके पूंछ और उसकी मुंडी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मैडम तो अब बचा ही क्या है इसमें, सारा मुर्गा अकेले खाओगी क्या? अरे तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। हाँ एक मरूंगा ना तो थोड़ा बिगड़ जाएगा, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ तुम, समझी? ऐसे क्यों घूर रही हो, आंखें निकाल लूंगा। बताओ इतनी मुश्किल से मैंने मुर्गा पकड़ा और काट के पकाया और तुम सारा खाना चाहती हो, मैं क्या मुंह देखने बैठा हूँ यहाँ? देखो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले मैं खाऊंगा, जो बचेगा वो तुम्हें दे दूंगा। अजय कल से हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। कल मुझे किसी भी हालत में गांव जाना ही होगा। कल मुझे पिकअप करने के लिए मेरा भाई आ रहा है। अब इसके बाद पता नहीं हम कब मिल पाएंगे। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम आज मुझसे आखिरी बार मिलने आई हो। पता नहीं क्यों अजय, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों? अभी तक तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में पता नहीं है। मेरे 3 भाई हैं। बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए थे, उसके बाद से मेरे तीनों भाइयों ने ही मुझे बड़े नाजों से पाला है और इसी वजह से आज तक उन्होंने शादी तक नहीं की। मैं हंसती हूँ तो वो हंसते हैं, मैं रोती हूँ तो वो भी रोते हैं। वो तीनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपने सारी खुशियों का त्याग कर दिया और ऐसे देवता जैसे तीनों भाइयों को धोखा देकर मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम किसी भी तरह मेरे भाइयों को समझाकर मुझसे शादी कर लो, नहीं तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी।
ये तो शेर की आवाज ही लग रही है। अरे बाप रे, हाँ हाँ, ये तो शेर की ही आवाज है। शेर है, तुम डरोगी तो मैं भी डर जाऊंगा। चलो चलो चलो, जल्दी चलते हैं। आजा आजा आजा। इस तरफ। बच गए। ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपनी भूख कैसे मिटाएं। ऊपर से ये शेर अपनी भूख मिटाने में लग गया है। बचा लो भगवान, बचा लो प्लीज। आखिर मुझे यहाँ पर लेकर ही क्यों आए? हाँ पागल कहीं के। ए, तुम इतना ज्यादा भड़क क्यों रही हो? तुम्हें जाना है तो जाओ ना, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है क्या? अच्छा सुनो, पहले मुझे ये जंगल पार कराओ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ये जंगल शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ होता है, मुझे भी नहीं पता है। अरे तुम्हें ना सच में जान से मार डालना चाहिए। अरे अरे, अरे, अरे छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरा सपना था। मेरे भाई को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। अच्छा सुन, उसे बोलना है काम कर। क्या करना होगा? नीचे जमीन पर लेटकर ब्रेक डांस करे वो। कुछ भी बोलते हो, तुम पागल हो गए हो क्या? ओह सॉरी। डरो मत।
अरे भाई चलते चलते तो मेरे पैरों की हालत खराब हो गई है। अरे ये लोग कौन है? पंडित जी ये लोग कौन है? अरे कौन हो तुम लोग और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? वो दरअसल मैं समझ सकता हूँ, तुम दोनों आपस में प्यार करते हो, घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए होंगे इसलिए भाग कर आए हो, लोगों को तुम लोग के बारे में पता ना चल जाए इसलिए छुपने के लिए जंगल में आए हो, am I correct? हाँ सही कहा, बहुत अच्छा गेस लगा है आपने। चलो सही है। अब वैसे आप लोग यहाँ कैसे? अच्छा तो आप लोग यहाँ पर जमीन में खजाना ढूंढने के लिए आए हैं? हाँ वैसे कैसा हो सकता है कि कोई खजाना हम इंसानों को मिले? मैंने अपनी शास्त्र शक्ति का उपयोग करके बहुत सारे खजाने ढूंढे हैं। हमारे शास्त्र जी पॉइंट निकाल कर दिखाते हैं तो वहाँ खजाना मिलता ही मिलता है। अगर इन्हें इतना सब कुछ पता है तो वो खजाना ये अकेले क्यों नहीं निकाल लेते? अभी तुमको मेरी बात पर हंसी आ रही है, कल जब खजाना ढूंढूंगा ना तो तुम ही मेरे पैर पड़ोगी, समझ गई? अरे मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ, मैंने तो आपको गलत समझा इसके लिए खुद पर हंस रही हूँ। दरअसल बात क्या है, इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा। दरअसल क्या है ना, इसका स्क्रू ढीला है। हाँ। अच्छा क्या बोला तुमने, मेरा स्क्रू ढीला है? तुम्हें तो बताती हूँ मैं, स्क्रू तुम्हारे पापा का लूज है, तुम्हारी माँ का लूज है। अगर मेरा दिमाग खराब किया ना तो सोते वक्त तुम्हारा गला दबा के मार डालूंगी तुम्हें। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इससे तंग आ चुका हूँ, कल आप लोग इसे अपने साथ ले जाइएगा। मैं सच में नहीं जाऊंगी। क्यों? कल अगर इन्होंने खजाने के लिए मेरी बलि दे दी तो? अरे रे आप लोगों को अकेला समझ कर हम लोग आपका साथ दे रहे हैं और आप लोग हमें ही गलत समझ रहे हैं। सॉरी सॉरी माफ कीजिए, मैंने तो फ्लो फ्लो में बोल दिया था, ये सब इसकी वजह से हुआ। अरे भाई आप लोगों की सच में शादी हो गई क्या? अभी तक नहीं हुई है। शादी का क्या है, कभी भी कर सकते हैं, फर्स्ट नाइट तो हो गई ना। इस जंगल में पहली रात बिताने की किस्मत बहुत कम लोगों के भाग्य में होती है, उस हिसाब से तुम बहुत लकी हो। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे यार ये मरवाएगी सच में। मुंह में जो आएगा वो बोल दोगे क्या? क्या कहा फर्स्ट नाइट के बारे में? इसने बोला ना तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम आज मेरे हाथों से मारे जाओगे। बोलो ये बकवास तुमने ही की होगी। अरे छोड़ो ना, कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो ये मेरा फायदा उठा रही है, कहाँ से ये मेरे पल्ले पड़ गई। अजय मैं जा रही हूँ, मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखो प्रिया तुम चिंता मत करो, अगर ऐसा कुछ है तो हम तुम्हारे भाई से बात कर लेंगे। हाँ प्रिया हम तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी करेंगे, तुम बिल्कुल भी डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो तुम लोग, अगर कल के दिन तुम्हारे भाई लोग शादी के लिए नहीं माने तो तुम दोनों को चाइना ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, समझ गए ना? ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मार ही डालेगी। ठीक है अजय मैं चलती हूँ। चलती नहीं हूँ, जाकर आती हूँ ऐसा बोलो। अपना मुंह बंद रख यार, हो सकता है तभी तो यहाँ आए हैं। यहाँ तुम्हें जितना खजाना चाहिए उतना मिलेगा, यहाँ पर खोदो बेटा। अरे अरे पंडित जी। अरे शास्त्री जी को छोड़, ठीक है खुदाई पहले खोदो बेटा। हाँ ला ला लो, चलो खुदाई चालू करते हैं। अरे सुनो अब
भाई आ जाओ भैया। हाँ दीजिए। चलो चलो संभाल के। थैंक यू। कोई नहीं कोई नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। जरा ये नारियल पकड़ो बेटी, अब इस बक्से को खोलो। रुको रुको, इसे मैं ही खोल सकता हूँ, और कोई नहीं खोल सकता। ठीक है आओ। इसको जरा पकड़ो बेटा। हे भगवान, हम पर बस दया करो कि हमको बड़ा सा खजाना मिल जाए। हे भगवान, सभी लोग प्रे करो। वाह क्या बात है। श्रावणी कहाँ है? चली गई। कहाँ चली गई? कितना कहा मैंने लेकिन उसने सुना नहीं। चली गई। क्यों चली गई? इस जंगल से बाहर निकलना आसान समझ रखा है क्या? मैंने कहा था लेकिन उसने कहा कि जंगल के अंदर भूत से मरने से अच्छा है कि यहाँ से कैसे भी करके भाग जाऊं। जाने दो, उसकी किस्मत वो जाने। हे भगवान, चलो कहाँ फंस गए। पंडित जी, आप तो यहाँ पे खजाना निकालने के लिए आए थे लेकिन आपने निकाल दिया किसी भूत को। अरे मरे हुए सांप को और मत मारिए भाई। अच्छा, यहाँ खोदने से पहले अगर वहाँ एक छोटा खजाना है तो यहाँ क्या हो सकता है? होना क्या है, बड़ा खजाना मतलब बड़ा भूत, छोटा खजाना मतलब छोटा भूत, और क्या। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। क्यों पंडित जी, कल हम लोग घर जाएंगे क्या? अरे जरूर जाएंगे। कल सुबह ठीक 10 बजे खजाना मिलते ही शाम तक हम लोग जंगल से निकल जाएंगे और अगले दिन सुबह घर पहुंच जाएंगे। देखो अजय, चरण प्रिया का तीसरा बड़ा भाई है और उसके साथ मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ। प्रिया के परिवार को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनका परिवार बहुत बड़ा है, वो प्रिया को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। उसी की वजह से उन तीनों भाई ने अभी तक अपनी शादी भी नहीं की। उनके लिए प्रिया ही उनकी दुनिया है। प्याज काटते समय आंसू आते हैं इसलिए उन्होंने अपनी बहन को कभी किचन में काम नहीं करने दिया है। तेरे प्यार के बारे में जानकर वो लोग पता नहीं तेरे साथ कैसा रिएक्ट करें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो अजय, मेरे ख्याल से तुम प्रिया के घर वालों के पास जाके अपने प्यार के बारे में बताओ, बाकी सब। अरे चलते चलते मेरी कमर टूट गई भाई। अगर खजाना चाहिए तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, पंडित जी वो भूत को बुलाइए ना, आप अपनी मंत्र शक्ति से उसे बुलाइए, वो आ जाएगी तो सब लोग यहाँ से भागने लग जाएंगे। अब हाँ, यहाँ पर खोदो। इस बार खोदने पे भूत की जगह खजाना मिलेगा ना पंडित जी? वो सब मैं देख लूंगा, फावड़ा सबल कहाँ है रे? हे भगवान, रुकिए मैं लेके आता हूँ। पता नहीं इस बार कितने भूत आएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा दूर रहना। चलो शांति, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अरे थोड़ी देर रुक जाओ,
दरअसल क्या है कि इसको थोड़ी कमजोरी फील हो रही है, अगर इसे कहीं दोबारा भागना पड़ा तो ये भाग नहीं पाएगी। इतना मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ। अरे तू खोद ना भाई, जल्दी खोद। हो गया। अब बिना डरे इसे बाहर निकालो। अरे बिना डरे सब निकाल सकते ना पंडित जी। अरे धर्मी कहीं के, तू मेरी मंत्र शक्ति पर उंगली उठा रहा है, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो श्राप दे दूंगा। हाँ। अरे यही बकवास बंद करो ना, चलो चुपचाप निकालो उसे। अरे ये तो टाइम बॉम्ब लगता है पंडित जी, अब इसका क्या करना है? अब इसका कुछ मत करना, इसके अंदर ना टाइम बम लगा है, 2 मिनट के अंदर ही बम ब्लास्ट हो जाएगा। चलो भैया हम लोग निकलते हैं यहाँ से। पंडित जी, पंडित जी, अब मैं इसका क्या करूँ? इसे फेंक दे रे, अब खजाना वजाना कुछ नहीं मिलेगा, जल्दी फेंक दो। भागो। क्या हुआ, सबको सांप सूंघ गया है क्या? कल फिर से ट्राई करना, कल जरूर खजाना मिल जाएगा। अभी क्या डैम का ढांचा मिलेगा? अरे पंडित जी, अब आपकी शक्तियां कहां चली गईं? खजाना कहां है? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक ही दिन में करोड़पति बनने के सपने ने जिंदगी बर्बाद कर डाली। पिछले 10 साल से हम इसी खजाने के चक्कर में दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, और गांव में जो 5 एकड़ जमीन पड़ी थी उसे भी खो दिया हमने। मैंने भी तो अपना सब कुछ खो दिया, बिजनेस से जो पैसे कमाए थे वो भी, और बीवी के जो गहने बेच के पैसे इकट्ठे किए थे वो सब भी। जब इंसान पैदा होता है ना तो कोई ना कोई गलतियां करता है, तो आप लोगों ने भी थोड़ी की। ओके रिलैक्स। हाँ शंकर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। अभी मेरी 1 एकड़ जमीन है, उसे बेचकर सबके उधार चुका दूंगा। मैंने जो पढ़ाई की है उससे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, और ये सब पागलपन बंद करके बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारूंगा। सही कहा भाई, मैंने जो बिजनेस बंद कर दिया था उसे फिर से चालू करूंगा। सुनिए, मैं तो एक काम करूंगा, पंडित जी को अपने साथ ले जाऊंगा, पंडित जी अपनी शक्तियों का यूज करेंगे और लोगों को बताएंगे कि खजाना यहाँ मिलता है, उनसे हमें थोड़े पैसे मिल जाएंगे, और वैसे भी हम लोग यहाँ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो ज्यादा खर्च होने वाला नहीं है, थोड़े पैसों में हम अपनी जिंदगी मजे से गुजार सकते हैं। क्या क्या बोलते हैं पंडित जी, है ना? बेटा शंकर, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मेरी जान छोड़ दे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। शंकर, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर आपको मेरी मदद करनी है तो पहले ये जानिए कि हुआ क्या है। ये सब हुआ था मेरे साथ। मतलब तुम दोनों लवर्स नहीं हो? नहीं सर। चलिए सर। ठीक है शंकर, मैं तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारी सारी जानकारी निकाल कर मैं तुमसे वापस मिलने जरूर आऊंगा। थैंक यू सर, आप मेरी मदद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मत कहिए, हम लोग इंसान ही हैं। ए, चलो रे चलो, बातें बाद में करना। हाँ आ रहे हम लोग, आ रहे हैं। आइए सर। ओके शंकर, हम फिर मिलेंगे। ओके ओके सर। बाय शांति। बाय। बाय शंकर। ये भगवान का भी खेल अजीब है। बाय शंकर भाई। बाय। बाय। ओके शंकर, जल्द से जल्द हम दोनों मिलेंगे। हाँ बाय। ओके। तुमने तो ये हंगामा किया था कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो लोग ले जाना चाह रहे थे तो तुम गई क्यों नहीं? अरे उन लोगों पर कैसे विश्वास कर लूं? मतलब तुमने मुझ पे विश्वास किया है? विश्वास करने के अलावा और कौन सा रास्ता था? अच्छा,
सच बात बोलने के लिए इतने नखरे कर रही हो तुम। कोई नखरा नहीं कर रही, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। बाप रे, तुमसे जो शादी करेगा ना उसकी जिंदगी बर्बाद। क्या कहा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच में तुम्हारे नखरे ना। हा? चलो हरे हाय, ये तेरी अदा हो गया मैं तुझ पे फिदा। अरे अरे तेरी अदा हो गया मैं तुझ पे फिदा। तू है मेरी मैं हूँ तेरा, होंगे ना हम कभी जुदा। आजा आजा आ, ये फोन भी ना। हाँ कीर्तन बोल, ऑन दी वे हूँ यार, बस 30 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। ओके ओके। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे आगे जाने के लिए लिफ्ट दे देंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए, कौन हो तुम? इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक से लॉन्ग ड्राइव के लिए आई थी, लेकिन रास्ते में झगड़ा हो गया और फिर वो मुझे यहीं छोड़ के चला गया। ऐसा क्या? अरे वो इंसान ही नहीं है। इतने बड़े जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी बेरहमी से छोड़कर चला गया, सच में वो इंसान नहीं है। आओ आओ बैठो ना प्लीज। ओके थैंक यू। तुम्हारा नाम जान सकता हूँ क्या? श्योर, मेरा नाम कविता है। ओह, मेरा नाम एकनाथ है। अरे तुम्हारा नाम तो बहुत अलग और बहुत अजीब सा है। हाँ, मेरा नाम ही नहीं, मैं भी अलग हूँ। अच्छा। हाँ अरे एक मिनट देखो तो शायद किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, रुक, देखो ना। ये क्या, ये दोनों तो एक जैसी लग रही हैं। अरे बाप रे, मैं अपनी बाइक पे भूत को बिठा के घुमा रहा था। अरे ऐसे क्यों देख रही है मेरी माँ? मैं मर जाऊंगा, मैं पहले से ही ऑफ माइंड हूँ। अरे बाप रे, अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पूर्वज 4 पीढ़ियों से इस पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं। कितने लोगों को उन्होंने इलाज करके ठीक किया है। ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम चंडी माता, काली माता, दुर्गा, जय हो माता, इसको ठीक कर दो। ए बेटा, तेरा हाथ अब जल्दी से ठीक हो जाएगा, एकदम पहले जैसा हो जाएगा। डरने की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे, इनका हार्ट ठीक हो जाएगा, हम इन्हें घर भेज देंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम इसे ठीक कर देंगे। भेज दूंगा, तुम लोग डरना मत। गुरुजी, आप कुछ भी कीजिए पर इनके हाथ को ठीक कर दीजिए, बदले में मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा? 10 लाख? 10 लाख? अच्छा ठीक है, अब तो इसे किसी भी तरह अच्छा करके इसके घर भेज देंगे। हाँ बिल्कुल गुरुजी, इनका हाथ जल्दी से ठीक कर दीजिए। गुरुजी तुम चिंता मत करो, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी, तुम जाओ। Thank you.
हम तुम यूं ही रहे साथ में, है मन में ये आशा, है मन में ये आशा, मन का दीपक ये जलता रहे, है मन में ये आशा, है मन में ये आशा, बातों बातों में आँखों आँखों में चलता रहे प्यार ये, अब ना हो दूरी कोई मजबूरी, मिलते रहे प्यार में, हम तुम यूं ही रहे साथ में, है मन में ये आशा, है मन में ये आशा, मन का दीपक ये जलता रहे, है मन में ये आशा, है मन में ये आशा। मोबाइल बैटरी चार्ज कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ऐसा करने से क्या सच में चार्ज हो जाती है? ऐसा करने से होती तो है, लेकिन तुमने टांगड़ा दी, अब पता नहीं होगी या नहीं होगी। तुम्हें 24 घंटे लड़ने के अलावा और कुछ आता है या नहीं? इतने चार्जिंग से काम चलेगा? इधर सिग्नल पकड़ता है क्या? 100% तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे टाइम पास तो हो जाएगा। यस, सक्सेस। अब एक काम करता हूँ, गाना सुन करके थोड़ा दिल बहलाते हैं हम लोग, है ना? हाँ। गुरुजी अच्छे से कीजिए, ये ठीक हो या ना हो परवाह नहीं है, हाथ ठीक हो जाना चाहिए, अच्छे से दवाई लगाइए। क्या हुआ छोटा गुरु, कोई आशा दिख रही है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई हलचल नहीं है। ऐसा है? हाँ। सुनो बेटा, अगर इसके शरीर में हलचल करवाना है तो इसको गाना वाना सुनाना पड़ेगा, उसके उत्साह में इसके अंदर हलचल पैदा होगी। छोटे गुरु, हम लोगों को ऐसा करके इसका उत्साह बढ़ाना होगा। अच्छा, अगर ऐसा करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे क्या? सुनो बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, ये ठीक हो जाएगा। छोटे गुरु जी इसका इलाज कर रहे हैं, ये आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार हैं, और मैं अपने मंत्र शक्ति से इसका इलाज करूंगा। मैंने पहले बताया था ना, विश्वास करो, पहले इस कार्यक्रम को पूरा होने दो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है गुरुजी। शांति, तुम्हें ये गाना बहुत पसंद है ना? इसे मैं रोज सुनता हूँ। तुम्हें तो बस ये गाना पसंद है, मुझे तो ये पूरी फिल्म ही बहुत पसंद है। ये जो कमल और जयाप्रदा की एक्टिंग है ना, ऐसे ही कुछ हमारी रियल लाइफ में भी होनी चाहिए शंकर। इस मूवी को मैंने कितनी बार देखा है ये मुझे भी पता नहीं। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी तुम्हें भी है। मतलब क्या है, तुम्हारी तरह फालतू के गाने नहीं सुनती हूँ मैं, ठीक है? अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारी गाली या गुस्सा नहीं सह सकता हूँ, ठीक है? ठीक है, लगाओ। अरे बाप रे।
अरे अरे जल्दी से पानी दो, घबराने की बात नहीं है, आराम से खाओ, धीरे धीरे खिलाओ, बात नहीं भैया, खिलाओ आराम से। नमस्ते सर। नमस्ते, कौन हो तुम लोग? मेरा नाम अजय है सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। प्रिया बेटा तुम अंदर जाओ। भैया दरअसल ये मेरे लिए आए हैं। हम और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं प्रिया के साथ शादी करना चाहता हूँ सर। मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा सर, अगर आप लोग मुझे परमिशन देंगे तभी प्रिया मुझसे शादी करेगी, ऐसा उसने कहा, तो आप लोग हमारे प्यार को स्वीकार करेंगे यही सोचकर मैं यहाँ पर आया था। देखो बेटा हमें सोचने का टाइम दो, फिर हम खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। नमस्ते सर। प्रिया चलो मेरे साथ अंदर। शंकर हाँ, बोलो ना, सुन रहा हूँ। अभी तक तुमने मैं कौन हूँ क्या करती हूँ कुछ नहीं पूछा, पर पता नहीं क्यों मैं बताना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा कम्मन जिला में धर्मपुर गांव में मेरा छोटा सा परिवार है, मेरे माँ बाप की मैं इकलौती बेटी हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी और उसी कैंसर की वजह से माँ की डेथ हो गई। मेरे गांव में मेरे पापा की 500 एकड़ ज़मीन है, मेरे मामा उस ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। 15 दिन पहले ही मेरे पिताजी की अचानक से डेथ हो गई, तो अब उस ज़मीन की पूरी तरह से हकदार मैं हूँ। मेरे मामा ने सोचा कि अगर वो कैसे भी मुझे मरवा देते हैं तो मामा बड़ी ही आसानी से वो ज़मीन बिना परेशानी से अपने नाम पर करवा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला करवाया, इसीलिए मैं घर से भाग कर आई, फिर तुम मिल गए और यहाँ लेकर आए। हाँ? मतलब मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर नहीं आया हूँ, तुम जानबूझकर इस जंगल में मेरे साथ आई हो? हाँ हाँ। अरे बाप रे, सच में तुम तो बहुत नाटकी हो, कितनी अच्छी एक्ट्रेस, कितनी गालियां दी, कितना गुस्सा किया, और नहीं तो क्या, सब कुछ बता देती तुम्हें। अरे शंकर तो इतना भोला क्यों है यार। अब अपना मुंह बंद करो और खुश रहो, समझ गए? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, कितना ड्रामा किया था तुमने, इतना डांटा इतना चिल्लाया, बाप रे, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं था, बिना कुछ किए श्राप दे डाला, सच में तुम कमाल की एक्ट्रेस हो। तेरी तो शायद ये लोग सारा इंतजाम करके आ गए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। आपने उन्हें खुश करने के लिए जो भी कहा था वो सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए ना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है देखता हूँ मैं। सुनो बेटा, इसकी सारी जिंदगी मौज मस्ती और खुशी में बीती है, अगर खुशी नहीं होगी तो इसकी जिंदगी की तमन्ना अधूरी रह जाएगी। आप उपाय बताएंगे तो? आप बिल्कुल चिंता ना करें माँ जी, उपाय बताएंगे। हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब कार्यक्रम शुरू करो। ठीक है गुरुजी। ए, चलो चलो शुरू करते हैं, चलो। शंकर शंकर, ये शंकर शंकर कौन चिल्ला रहा है? शंकर शंकर। अरे सर जी आप, व्हाट्स अप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज सर, क्या हुआ सर, दोबारा खजाना ढूंढने के लिए आए हैं क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी हो ना बेटा। आप कैसे हैं सर? यहाँ से जाने के बाद सब ठीक हो गया। चलिए सर हम लोग कहीं बैठे। हाँ चलो। देखो बेटा ऐसा है, तुम्हारा उस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। एक और बात, पुलिस इंक्वायरी में
पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में सुसाइड का मामला सामने आया है, इसलिए तुम बिना डरे अपने गांव जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम मेरे भाई जैसे हो, इसलिए कोई बात नहीं, मेरे दिल ने जैसा कहा वैसा मैंने किया। मैं लेट हो रहा हूँ शंकर, चलता हूँ मैं अब। सर शाम होने वाली है, आज रात यहाँ बिता के कल सुबह मैं आ जाऊंगा। पूरी जिंदगी जंगल में बीत गई, तुम लोग कल सुबह निकलना। हाँ मैं बोलना भूल गया, एक मिनट रुक जाओ। दिस इज माई विजिटिंग कार्ड। थैंक यू सर। जब भी समय मिले मेरे घर पर जरूर आना। ओके शंकर। ओके सर। ओके बाय। चलो बेटा चलता हूँ। चलो अच्छा है, कम से कम मेरा ये वनवास तो खत्म हुआ, क्या बोलती हो? शांति चले हम लोग। शांति व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम्हें? छेड़े तुझे यही मन करता, आँखों में हर पल बस। जरूर ओ मेरी जाना, तुझको ही चाहेंगे। तुझे ही चाहा, तुझे सराहा, तुझको ही पूजा, तुझको ही मांगा। चलो ये वादा कर लो। ये दिन ये दिल क्या कहता,
छेड़े तुझे यही मन करता, आँखों में हर पल बसता, यारा तेरा ही है वो चेहरा। तुझे ही देखूं जहां भी देखूं, तुम भी मुझे ही देखो, जो भी मैं सोचूं तुम ही सोचूं, तुम भी मुझे ही सोचो। तुझ में ही खोया दिल का पतंगा, मेरा भी सपना तुझ में ही रंगा, चलो ये वादा कर लो। शंकर, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो? नहीं ना। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम हो कि गाने सुन रहे हो। अरे हाँ यार, मैं सीरियसली ही ले रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो ना। मेरी मम्मी पापा को तुम बहुत पसंद आओगी। अगर उन्होंने मना भी किया तो मैं उन्हें समझा के तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक है ना? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। प्रिया बेटा, एक बार अजय को यहाँ बुला लो। किस लिए भैया? अरे अपनी बहन की शादी करनी है, और किस लिए? मतलब? अरे तेरी पसंद हमारी पसंद है, अजय से ही तेरी शादी होगी। थैंक यू भैया। ये पंडित जी अभी भी सुधरे नहीं, अपनी मंत्र माया का गलत इस्तेमाल करके फिर से चार बकरों को पकड़ कर ले आए। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे गुरुजी, यहाँ पर इतनी बड़ी खाई क्यों है? वही तो बेटा, मैंने अपनी मंत्र शक्ति से देखा था यहीं पर खजाना था, वही दिखाने के लिए तुम लोगों को यहाँ लेकर आया। अरे गुरुजी, आप अपना असली रूप दिखाइए, आप भगवान हैं गुरुजी। बता दो पंडित जी, गुरुजी हमें अपना असली रूप दिखाइए। सब ऊपर वाले के हाथ में है, सब अच्छा होगा। आओ बेटा खजाना ढूंढते हैं। चलिए चलिए। हाँ? बाप रे, ये तो याकूब की तरह लग रहा है। क्या बात है पंडित जी, आप इधर? मर गया, कहीं इसने मेरा भेद खोल दिया तो मैं क्या करूंगा। क्या करूं बेटा, मेरे जीने खाने का यही साधन है। क्यों याकूब, कैसा है तू? बाकी के सारे लोग अच्छे हैं ना? और क्या चल रहा है, क्या देख रहा है तू? याकूब, ये तेरा हाथ नहीं, पैर समझ ले। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बीवी बच्चे वाला हूँ, मेरे ऊपर दया करना, यहाँ शोरगुल मत करना। ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं? ओहो, मतलब अभी तक आप बदले नहीं हैं? अब की बार गारंटी से बदल जाऊंगा, बस एक बार मुझे माफ कर दे। क्यों भाई लोग, किस गांव से हो? दंपतपुर, आपको नहीं पता क्या? हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है याकूब, अब मैं जाऊँ क्या? हाँ हाँ, जाइए जाइए, खजाना मिलते ही भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा मतलब? मतलब खजाना मिलने के बाद जंगल में नहीं रुक सकते ना। ये बताओ भाई, खजाना को लेके जाओगे कैसे?
खजाना तो पेटी में निकलता है ना, और पेटी हम सभी उठाकर ले जाएंगे। ओहो, सुपर आइडिया। जाओ 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 जाओ। भाई बेस्ट ऑफ लक तो बोल ही सकते हैं ना। ओहो, ऐसी बात है। हाँ? इस जंगल में भगवान आपकी रक्षा करे भूत प्रेतों से, किस्मत अच्छी रही तो खजाना भी मिल ही जाएगा। याकूब, मैं अभी जाता हूँ। हाँ? बाद में तुझसे जरूर मिलूंगा। भाई अब रॉकी इस जंगल में घूमना फिरना छोड़ के एक शॉर्ट फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा है। खैर जो भी हो, किसी तरह अपनी जिंदगी तो बिता ही रहा है। देखो भाई, तुम इस फिल्म के प्रोड्यूसर हो और तुम हीरो हो। इस शॉर्ट फिल्म के द्वारा मैं तुम लोगों को कहां से कहां ले जाऊंगा, यह जिम्मेदारी मेरी है। तुम लोग एकदम निश्चिंत रहो। ओके भाई, ठीक है ना। ओके, ओके। चलो संतोष, अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए इसे डायरेक्टर लेके हमने बहुत अच्छा किया यार। थोड़ा से सनकी जरूर है पर अच्छा इंसान है। बेचारा एकनाथ भूत के डर से भागते भागते याकूब के कदमों में जा गिरा। कौन है ये? कौन है, कौन है भाई तुम? भाई क्या हो गया? क्या हुआ? अरे बोलो ना। भूत? अरे भूत उत कुछ नहीं होता, पहले तुम शांत हो जाओ। शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह से भाग रहे हो। नहीं भाई, एक हफ्ते से भाग रहा हूँ। अरे भूत उत कुछ नहीं, हम लोग है ना, थोड़ा थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ ओ गॉड, मेरे भैया शादी के लिए मान गए, मैं कितना टेंशन ले रही थी इस बात के लिए। अगर तुम्हारे भाई लोग पूरी दुनिया भी घूम लेते ना, तो मुझ जैसा इंसान उनको मिलने वाला नहीं अच्छा? था। अच्छा, रहने दो रहने दो। आखिर अंततः शंकर और शांति को जंगल से मुक्ति मिल ही गई, और अब जल्द ही ये लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। ये यस। हाय सर। हाय। आप कौन से गांव में जा रहे हैं सर? चाइना। ओह, लगता है चेन्नई जाना है। ओह, तो आपको चेन्नई जाना है? नहीं भाई, चाइना जाना है। मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे देखो भाई, अगर चाइना जाना हो ना तो प्लेन से जाते हैं या शिप पकड़ के जाते हैं, ऑटो या बस से नहीं जाते हैं। ऐसा होता तो सब साइकिल से चाइना चले जाते। अरे तुम्हारा एम्बिशन क्या है? मेरा यही एम्बिशन है, मेरे गुरुजी ने यही बोला है। गुरुजी? हाँ। कौन से गांव के? पांडुरंगापुरम। ओहो, पांडुरंगापुरम। अरे वो तो कोई पागल होगा। तूने मेरे गुरुजी को पागल बोला? इसकी तो, ये तो उससे भी ज्यादा पागल लग रहा है, इतनी जोर से मुझे मार दिया। वैसे तुम्हारे गुरुजी क्या करते हैं? हमारे गुरुजी पांडुपुरम में बड़ी सी दाढ़ी बढ़ा के रोड में मार्केट में सब जगह घूम घूम के भीख मांगते हैं। अरे वो तो तेरे से भी ज्यादा पागल लगते हैं। मुझे पागल कहा तूने? फिर से मारा। बाप रे, मैंने इससे पंगा क्यों लिया? चाइना जाना है ना आपको? वो आगे से ना एक बस मिलेगी चाइना के लिए, वो पकड़ के सीधा चाइना पहुंच जाएंगे आप। आराम से चले जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ गए। ओके बाय बाय। चाइना का नाम लेके मेरा ही चैन छीन लिया। बाय। अरे रुको 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 रुको, क्या हुआ बोलो भाई? मुझे चाइना तक भेज दोगे? अरे बाप रे, मैं अरे हाँ दे दो ना भाई। अरे छोड़ो भाई मुझे। भाई चाइना तक अरे, छोड़ अरे मैं नहीं जाऊंगा। अरे सिर्फ चाइना तक की तो बात है, अरे क्या कर रहे हो, सुनो तो सही। अरे कैसे कैसे लोग हैं। छे सर, सर सर सर, मुझे चाइना तक लिफ्ट दे दो ना। पागल है क्या? चाइना साइकिल से चलेगा? अरे पास भी तो है, एक घंटे में पहुंच जाएंगे सर। पागल है क्या एकदम? अरे सर पीछे हट, चाइना साइकिल से जाएगा। अरे प्लीज सर, अरे हट जाइए ना। अरे अरे सर छोड़ दीजिए। अरे उतर। अरे 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 पागल है क्या यार तू? चाइना तक की तो बात है सर, लिफ्ट दे दो ना सर। आपके पास साइकिल है? अच्छा साइकिल दे दो, मैं चाइना चला जाऊंगा। अरे सुनो तो सही सर। अरे सर, अरे मेरी बात तो सुनो।